नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। भरनो प्रखंड के डोम्बर डुमर टोली में 28 जंगली हाथियों का झुंड के दस्तक से गांव के ग्रामीण काफी भयभीत हैं। पहले से मात्र एक जंगली हाथी द्वारा 4 दिनों तक लगातार करंज थाना क्षेत्र के दुड़िया, दतिया, बसाइर, तोलो, चितगुट्टू आदि गांव में तांडव मचाकर कई ग्रामीणों के घर को क्षतिग्रस्त कर कई किसानों के फसलों को रौंद कर बर्बाद कर डाला। इससे भुक्तभोगी ग्रामीण अभी उबर नहीं पाए को 28 हाथियों का झुंड सरगांव जंगल की ओर से प्रवेश कर डोम्बा डुमर टोली के पहाड़ियों के आसपास जंगल में डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि ग्रामीणों द्वारा उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन हाथियों के झुंड के साथ 3 हाथियों के बच्चे भी हैं, जिसे लेकर हाथी ग्रामीणों द्वारा खदेड़ने से और भी उग्र हो जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगली हाथी ने बुधवार की रात चैनपुर प्रखंड के छत्तरपुर गांव में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथी ने 2 घरों को ध्वस्त कर दिया, साथ ही घर में रखे धान चावल को भी खाकर व छींटकर नष्ट कर दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात लगभग 1:30 बजे श्रीनगर जंगल संख नदी की ओर से एक जंगली हाथी परमवीर अल्बर्ट एक्का कॉलेज के रास्ते छत्तरपुर गांव पहुंचा और उसने सिमोन एक्का के रसोई घर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और घर में रखे धान को भी चट कर गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली हाथी को जंगल की ओर भागने की मांग की है। पीड़ित परिवार ने वन विभाग और प्रखंड प्रशासन से मुआवजा देने की गुहार लगाते हुए कहा कि वे लोग काफी गरीब है, इस कड़ाके की ठंड में घर धसे हुए घर में काफी परेशानी हो रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।